हे गाइस, दिस इज आवर ब्रदर ऋतिक मेघवानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन हैदराबाद के बारे में। बेसिकली गाइस, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम सिटी वाइज कॉलेजेस को कवर कर रहे हैं। आज हम लोग स्पेसिफिकली हैदराबाद के कॉलेजेस को कवर करेंगे। मैं आपको टॉप 10 कॉलेजेस बताऊंगा, उसमें एडमिशन कैसे होता है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, रैंकिंग क्या है, वो सारी बातें हम लोग कवर करने वाले हैं। इसी के साथ वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारा जो कॉलेज आ जाता है वो है IIT हैदराबाद। 2008 में गाइस ये कॉलेज बना था। 576 एकर का इसका कैंपस एरिया है। एडमिशन की बात करें, जी एडवांस के बेसिस पे होता है काउंसलिंग, आपकी जोसा काउंसलिंग होती है। रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसको इंजीनियरिंग में 8th इंजीनियरिंग NRF रैंकिंग दी गई है, जो कि काफ़ी अमेजिंग NRF रैंकिंग है। प्लेसमेंट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 65 लाख इस साल का हाईएस्ट पैकेज रहा है। ये ऑनगोइंग प्लेसमेंट्स हैं। हो सकता है कि इस साल के एंड तक प्लेसमेंट थोड़े से और अच्छे हो जाएं। एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 20.3 लाख इसका एवरेज पैकेज है 2021 में। अगर मैं ऑनगोइंग एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो 23 लाख के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। और हम लोग बात करें तो टोटल 34 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको इंटरनेशनल ऑफर्स मिले थे। टोटल 7 कंपनीज थी जिन्होंने ऑफर दिए थे, एंड जापान एंड ताइवान जैसी कंट्रीज में स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस हुए थे। टॉप रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लिपकार्ट, JPMorgan, मीशो, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स रही हैं। और भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक साल की अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ तो 2.6 लाख के आसपास आपकी एक साल की फीस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गाइस, जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है IIIT हैदराबाद, इस कॉलेज की भी यार जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एंड 1998 में गाइस ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। अगर मैं यहाँ पे कैंपस एरिया की बात करूँ, 66 एकर का इसका टोटल कैंपस एरिया है। एडमिशन की बात करें तो इसमें दो तरीके से एडमिशन होता है, एक आपका JEE मेंस के थ्रू, सेकेंड आपका UGEE के थ्रू। अब जिन लोगों को नहीं पता है UGEE क्या है, बेसिकली यार IIIT हैदराबाद खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि UGEE के थ्रू आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ पे IIIT हैदराबाद के लिए गाइस आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है इनकी वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे जो जोसा एंड CSAP काउंसलिंग होती है उसके थ्रू इसमें एडमिशन नहीं मिलता है। रैंकिंग की बात करूँ, 54th इसको इंजीनियरिंग में NRF दी गई है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, 56 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज रहा है 2021 में। अगर मैं एवरेज की बात करूँ कंप्यूटर साइंस में, एवरेज 30 लाख रुपीज़ तक हमें देखने को मिल जाता है 2021 में। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ ECE की तो 24 लाख इसका एवरेज पैकेज रहा है 2021 में। इस साल हो सकता है, अभी तक तो स्टेट्स नहीं आए, हो सकता है प्लेसमेंट थोड़ा और बेटर हो जाए या फिर इसके आसपास तो डेफिनेटली रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स हैं IIIT हैदराबाद के। ट्यूशन फीस की बात करें तो एक साल की जो फीस है वो करीबन 3.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। अगर गाइस आप एजुकेशनल लोन लेना चाहते हैं, डिटेल में सारी प्रोसेस समझा रखी है, ये वीडियो आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी, आई बटन में भी आ रहा होगा, जाके आप डेफिनेटली देख सकते हो। सारी चीज़ें एक नंबर तरीके से समझा रखी हैं, एजुकेशनल लोन की प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज आ जाता है गाइस वो है BITS हैदराबाद। मतलब BITS पिलानी के यार तीनों कैंपसेस यार बहुत ज़बरदस्त हैं। 2008 में यार ये कॉलेज बना था, प्राइवेट कॉलेज है, 200 एकड़ का इसका कैंपस है। एंड काफ़ी ग्रीन एंड काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस आपको देखने को मिल जाता है। टोटल कैंपसेस की बात करें यार तो BITS के 4 कैंपसेस हैं, पिलानी, हैदराबाद, दुबई एंड आपका गोवा। एडमिशन की बात करें तो इसके लिए आपको BITS साइड एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। रैंकिंग 30 इसको इंजीनियरिंग में NRF दी गई है। एक चीज़ आपको समझनी है कि BITS की यार जो रैंकिंग है वो ओवरऑल सारे कॉलेजेस की रैंकिंग मिला के होती है, ठीक है। मतलब BITS हैदराबाद को अलग से रैंकिंग नहीं है, यहाँ पे कोई BITS गोवा को अलग से रैंकिंग नहीं है। जो BITS पिलानी की रैंकिंग है वही यहाँ पे BITS हैदराबाद की रैंकिंग मानी जाती है। एंड एक और चीज़ है, BITS हैदराबाद ये कैंपस है लेकिन आपको जो डिग्री मिलती है वो BITS पिलानी की यहाँ पे आपको डिग्री मिलती है, तो ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है यार। एंड प्लेसमेंट्स में भी यार यहाँ पे हम देख रहे हैं उतना कुछ खास डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिल रहा है तीनों कैंपसेस में। तीनों के प्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ, 43 लाख यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज था 2021 में। ओवरऑल एवरेज की बात करें तो 15 से 16 लाख के बीच में एवरेज पैकेज इसका वेरी कर रहा है। एवरेज कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 22 से लेकर 24 लाख तक इसका एवरेज पैकेज चला जाता है। एक और चीज़ है, किसी किसी साल ऐसा होता है कि ये पैकेज 24 से 26 लाख भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन वो केस कभी कभी होता है, लेकिन जनरली 22 से लेकर 24 के बीच में वेरी करता है, है ना। एक साल की ट्यूशन फीस की बात करें तो 4.76 लाख आपकी एक साल की ट्यूशन फीस है BITS हैदराबाद की, ठीक है। ये थोड़े से महंगे रहते हैं यार, प्राइवेट कॉलेज है, BITS में फीस काफ़ी ज़्यादा है। अगेन आपको एजुकेशन लोन चाहिए, ये वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज आ जाता है गाइस वो है JNTU है, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे बेसिकली 1965 में कॉलेज बना है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। एंड 89 एकर्स का गाइस इसका कैंपस है। एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो TSMCET इसका एग्ज़ाम होता है, जो कि स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम है तेलंगाना का, जैसे MSTCET होता है, कॉमेट के होता है, इसी तरीके से आपका TSMCET एग्ज़ाम होता है। एंड काउंसलिंग की बात करें तो TSMCET की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू इसमें एडमिशन आपको मिलता है। रैंकिंग की बात करें, 62 इसको इंजीनियरिंग NRF दी गई है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, 41 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज है।
एवरेज की बात करें 9 से 10 लाख के बीच में इसका एवरेज पैकेज वेरी करता है। एंड काफ़ी डिसेंट एंड काफ़ी बढ़िया कॉलेज है यार। गवर्नमेंट कॉलेज होने के कारण आपको ट्यूशन फीस काफ़ी कम देखने को मिलती है, मात्र 21,500 रुपये आपकी एक साल की फीस है ट्यूशन फीस, ठीक है। तो काफ़ी अफोर्डेबल कॉलेज है, अगर आपको मिलता है तो मतलब बेस्ट है। प्लेसमेंट्स भी यार 9 से 10 लाख एवरेज पैकेज काफ़ी डिसेंट पैकेज माना जाता है। नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है गाइज हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। 1929 में कॉलेज बनाया गया है, काफ़ी पुराना कॉलेज है एंड ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है आपका। 200 एकड़ का कैंपस मिल जाता है आपको। एडमिशन आपका TSMZ के थ्रू होता है, काउंसलिंग भी आपकी TSMZ के थ्रू हो जाती है। रैंकिंग की बात करें 132 यहाँ पे इंजीनियरिंग में NRF इसको दी गई है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं 22 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज था लास्ट ईयर। एवरेज की बात करें 7 से 7.5 लाख के बीच में इसका एवरेज पैकेज वेरी करता है। अगेन गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो 28,000 आपको देखने को मिल जाती है एक साल की, काफ़ी अफोर्डेबल कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है गाइस हमारा CBIT, ये भी यार वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है हैदराबाद में। 1979 में ये कॉलेज बना था, प्राइवेट कॉलेज है, 50 एकड़ का कैंपस मिल जाता है। एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे जो है 30% सीट्स आपकी जेई मेंस के थ्रू फिल की जाती है एंड 70% सीट जो है वो आपकी TSMZ के थ्रू फिल की जाती है। रैंकिंग की बात करें 133 इसको इंजीनियरिंग में NRF दी गई है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं 43 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज था, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था। एवरेज पैकेज 7.8 लाख था 2021 में, ठीक है। ट्यूशन फीस की बात करें 1.43 लाख आपकी एक साल की ट्यूशन फीस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है गाइस हमारा VNR, ये भी यार काफ़ी डिसेंट कॉलेज है। 1995 में कॉलेज बना है, प्राइवेट कॉलेज है, 21 एकर्स का आपको कैंपस मिल जाता है। एडमिशन आपका 30% सीट्स जेई मेंस, 70% सीट्स आपकी TSMZ के थ्रू फिल की जाती है। रैंकिंग 135 इसको इंजीनियरिंग में दी गई है NRF। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं 97 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज था जो कि इंटरनेशनल था, 2022 के बता रहा हूँ, ऑनगोइंग है। एंड हाईएस्ट पैकेज की बात करें डोमेस्टिक 44 लाख था जो कि अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने दिया था। एंड यहाँ पे यार जब मैं इसके प्लेसमेंट देख रहा था तो मुझे ये चीज़ पता चली कि यहाँ पे यार बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट, तो यार मतलब ऑलमोस्ट 70-60% जो मैं बताने वाला हूँ कॉलेजेस उसमें आती है। अमेजोन तो मतलब सब में आती है। तो ये बेस्ट चीज़ लगी मुझे, 35 ऑफर्स यार अमेजोन ने दिए थे जो कि 20 लाख से लेके 44 लाख के बीच में वेरी करते हैं। अमेजोन यार एक रोल के लिए नहीं आती है, मतलब किसी कॉलेज में जाती है तो हो सकता है वो 3-4 रोल के लिए वहाँ पे रिक्रूट करने आए, ठीक है। तो इसलिए पैकेज वेरी करता है आपका। एवरेज पैकेज 8 लाख है इस कॉलेज का, एक साल की फीस 1.44 लाख के आसपास आपको मिल जाती है। नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है गाइज आपका VCE। 1981 में कॉलेज बना है, प्राइवेट कॉलेज है आपका, 13 एकड़ का कैंपस आपको मिलता है। एडमिशन की बात करें अगेन 30% सीट्स आपकी जेई मेंस के थ्रू फिल की जाती हैं एंड 70% सीट्स आपकी TSMZ के थ्रू। रैंकिंग 201 से लेकर 250 के बीच में वेरी करती है इंजीनियरिंग में। प्लेसमेंट्स की बात करें 25.75 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज है जो कि सर्विस नाउ कंपनी ने दिया था। एवरेज की बात करें 6.5 से 7 लाख के बीच में एवरेज वेरी करता है। ट्यूशन फीस की बात करें 1.4 लाख आपकी एक साल की ट्यूशन फीस है यहाँ पे। नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है गाइज हमारा CVR। 2001 में गाइज ये कॉलेज बना था, प्राइवेट कॉलेज है, 33 एकड़ का कैंपस है इसका। एडमिशन की बात करें 30% सीट जेई मेन, 70% आपकी TSMZ के थ्रू फिल की जाती हैं। NRF 155 यहाँ पे इसको दी गई है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं हाईएस्ट पैकेज 30.5 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज गया था जो कि अमेजोन ने दिया था। 12 ऑफर यहाँ पे अमेजोन की साइड से थे जो कि 11 से लेके 30 लाख के बीच में वेरी कर रहे थे। एवरेज की बात करें 5.5 से लेके 6 लाख के बीच में यहाँ पे वेरी करता है। ट्यूशन फीस यहाँ पे 1.2 लाख हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट कॉलेज जो आ जाता है गाइज वो है SNIST, श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 1997 में गाइज ये कॉलेज बना था, प्राइवेट कॉलेज है, 25 एकर इसका कैंपस एरिया है। एडमिशन की बात करें TSMZ के थ्रू इसमें एडमिशन हो जाता है, 70% सीट्स एंड 30% जो सीट्स हैं वो आपकी जेई मेंस के थ्रू फिल होती है। NRF गाइज फिलहाल इस कॉलेज को नहीं दी गई है। प्लेसमेंट्स की बात करें 38 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज था एंड एवरेज पैकेज 5.5 लाख के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। फीस की बात करें तो 1.3 लाख यहाँ पे एक साल की इसकी फीस है एंड और भी 3-4 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि काफ़ी डिसेंट माने जाते हैं, तो उनको यार टॉप 10 में तो नहीं रखा गया है क्योंकि टॉप 10 में सिर्फ 10 ही कॉलेज आ सकते हैं। और मैं आपको 2-3 नाम बता देता हूँ, जैसे GNITS ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, GRIET ये भी काफ़ी डिसेंट कॉलेज है, वर्धमान हो गया इसमें भी आपको 5-5.5 लाख के आसपास एवरेज पैकेज मिल जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ये भी काफ़ी डिसेंट कॉलेज है। अगर टॉप 15 के हम लोग लिस्ट बनाते तो डेफिनेटली ये भी उसमें आ जाते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, जिस पे भी वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो उसी पे मैं लेके आऊँगा। एंड हैदराबाद का वीडियो इसलिए आया क्योंकि बहुत लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था, तो आपके कमेंट करने के ऊपर है कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आएगा, तो दबा के कमेंट करो। इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, पीस आउट।